एकता कॉलोनी में पानी में डूबने से एक बच्चे की मौत के बाद भाजपा पार्षदों ने नगर आयुक्त अवनीश कुमार शर्मा को घेरने की तैयारी पर एक बैठक कैंप कार्यालय पर की, जहां भाजपा के 35 पार्षदों ने एक ही जुट में कहा कि नगर आयुक्त पार्षदों के सुझावों की अनदेखी कर रहे हैं। पार्षदों ने 21 फरवरी को अवनीश कुमार शर्मा को घेरने की तैयारी पर विचार विमर्श किया। सभी का कहना था कि नगर निगम उनकी नहीं सुन रहा और जनता को जब कोई दिक्कत होती है तो वो पार्षदों को दोषी मानती है। हालांकि ये कह पाना मुश्किल है कि कटघरे में किसे रखा जाए। इस दौरान बैठक में भाजपाइयों ने घटना के लिए निगम को जिम्मेदार ठहराया। बैठक में कुलदीप सिंह, सरदार डिंपल सिंह, अश्क, रुचि चौधरी, विद्या शंकर शर्मा, बिट्टू, नन्नू सिंह सैनी, माया सैनी, अर्चना शर्मा, अशोक सैनी, राजेश गुप्ता, गौरव श्रीवास्तव, देश रतन कत्याल, भगवती सैनी, चंद्रशेखर सैनी के साथ और भी पार्षद मौजूद रहे। आज भारतीय जनता पार्टी के 35 पार्षद जो है वो हमारे उपनेता संजय सक्सेना जी के आह्वान पर यहाँ इकट्ठे हुए हैं 11 बजे कैंप कार्यालय पीली कोठी पर। तो इसके अंदर एकता कॉलोनी में जो बच्चा डूबकर मर गया था, एक तो उस विषय में, और दूसरा जो पार्षदों के जो 5-5 लाख के जो काम होने थे मरम्मत के वो आज तक नहीं लगे हैं, और तीसरा ये है कि जो होली आने वाली है और होली से पहले जो काम होने हैं होली को लेकर उस पर भी कोई अभी किसी प्रकार की मीटिंग नगर आयुक्त ने नहीं की है। इसके अलावा कुत्तों को और बंदर को पकड़वाने का के लिए पहले भी मीटिंग के अंदर ये बात आई थी, उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा फॉगिंग का कार्य है उस पर भी, और हाउस टैक्स के विषय में लोगों को जो है जाकर पैसा ज़्यादा बताया जा रहा है और उसके बाद उनसे सेटिंग की जा रही है। तो ये सारे विषयों को लेकर आज यहाँ पर हम लोग इकट्ठे हुए थे और नगर आयुक्त का घेराव करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए थे भारतीय जनता पार्टी के समस्त पार्षद। क्या हुआ फिर उसके बाद नगर आयुक्त? लेकिन क्योंकि 19 और 20 तारीख का सर्वेक्षण चल रहा है आज, टीम आई हुई है, वो भी सरकार का काम है, तो वो कार्य बाधित ना हो इसलिए ये नगर आयुक्त महोदय का घेराव करने का जो कार्यक्रम है वो अब 21 तारीख का हम लोगों ने 10 बजे का रखा है। तो सभी पार्षदों ने यहाँ पर अपना आक्रोश जो है वो यहाँ जाहिर किया।